सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को धर्म रस धारा चैनल की ओर से श्री राधे राधे। प्रिय सज्जनों, स्कंद पुराण के रेवा खंड में एक कथा आती है जिसे सत्यनारायण व्रत कथा के रूप में जाना जाता है। इस कथा का प्राचीन काल से ही विशेष महत्व माना जाता रहा है। भगवान विष्णु को सत्यनारायण के रूप में कही जाने वाली यह कथा कष्ट निवारक और मोक्ष प्रदान करती है। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्ची लगन एवं भक्ति के साथ यह व्रत करता है, भगवान सत्यनारायण उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस कथा को प्रायः पूर्णिमा के दिन कहा जाता है, लेकिन आप इसे कभी भी कार्य से धोने पर, किसी भी त्यौहार पर या मन में जब भी भगवान श्री सत्यनारायण पूजन का भाव आए कर सकते हैं। यदि आप पुरोहित या पुजारी जी को बुलाकर भव्य और संपूर्ण विधि विधान से पूजा करना चाहते हैं तो समस्त सामग्री स्वयं पुरोहित जी आपको बता देंगे, लेकिन अगर आप स्वयं ही साधारण रूप से पूजन करना चाहते हैं तो पूजन सामग्री में मुख्य रूप से केले के पत्ते व केले के फल, पंचामृत, सुपारी, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम और दूर्वा की आवश्यकता होती है। सत्यनारायण जी की पूजा में केले और तुलसी पत्ते का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। तुलसी अर्पित करने से भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। फल फूल और मिठाइयों के साथ साथ आटे को भूनकर उसमें चीनी मिलाकर पंजीरी या सत्तू बनाकर उसका भी भोग लगाना चाहिए। सत्यनारायण पूजा के दिन निराहार रहकर व्रत रखना चाहिए। पूजन स्थल को गाय के गोबर से अथवा स्वच्छ जल द्वारा धोकर पवित्र करना चाहिए। वहां रंगोली बनाएं और उस पर पूजा की चौकी रखें। चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं और केले के पत्ते या पेड़ों से मंडप बनाएं। पूजा से पहले एक तांबे के कलश में स्वच्छ जल लेवें और यह मंत्र बोलकर समस्त पूजा स्थल और पूजन सामग्री पर जल छिड़क कर उसे पवित्र करें। ओम अपवित्र है पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपीवा यह स्मरेत पुंडरी काक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचि पुनः पुंडरी काक्षम पुनः पुंडरी काक्षम पुनः पुंडरी काक्षम। केले के मंडप में भगवान श्री गणेश जी और भगवान सत्यनारायण जी की मूर्ति अथवा तस्वीर स्थापित करें। पूजा करते समय सबसे पहले गणपति जी का पूजन करें, फिर इंद्र और दश दिग्पाल की पूजा करें। इसके बाद पंचलोकपाल, राम दरबार, राधा कृष्ण और फिर ठाकुर जी का स्मरण व पूजा करें। इसके बाद सत्यनारायण जी की पूजा करें। सत्यदेव की पूजा करने के बाद माता लक्ष्मी, महादेव जी और ब्रह्मा जी की भी पूजा और स्मरण करना चाहिए। पूजा के बाद श्री सत्यनारायण जी की आरती, विष्णु जी की आरती और सभी देवों की आरती करें और चरणामृत लेकर प्रसाद वितरित करें। कथावाचक या पुजारी को दक्षिणा एवं वस्त्र देवें व भोजन कराएं और फिर आप स्वयं भी सपरिवार भोजन करें। श्री सत्यनारायण जी की कथा इस प्रकार शुरू होती है। एक बार पृथ्वी लोक पर लोगों को अत्यंत दुखी देखकर शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य स्थित महर्षि सूत जी के आश्रम में पहुंचते हैं और वहां श्री सूत जी के समक्ष उनसे प्रश्न करते हैं कि हे सूत जी, इस पृथ्वी लोक में कष्ट मुक्ति, सांसारिक सुख समृद्धि एवं परलौकिक लक्ष्य की सिद्धि के लिए सरलतम उपाय क्या है? महर्षि सूत जी बोले, हे ऋषियों, एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा था, तो भगवान विष्णु ने नारद जी को बताया था कि सांसारिक सुख समृद्धि एवं पारलौकिक लक्ष्य सिद्धि के लिए एक ही उपाय है, वह है श्री सत्यनारायण व्रत, यानी सत्य आचरण करते हुए प्रभु की आराधना। यह जानकर ऋषियों ने श्री सूत जी से कहा
हे सूत जी, आप इसे थोड़ा विस्तार से कहिए। तब सूत जी बोले कि नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाकर उनकी स्तुति करते हैं। स्तुति सुनने पर भगवान श्री विष्णु जी नारद से पूछते हैं, हे नारद, आप यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? आपके मन में क्या है, कहिए, मैं सब कुछ सुनना चाहता हूँ। नारद जी बोले, हे भगवान, मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी प्राणी बहुत प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, किस उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकता है, वह सब यदि आपकी कृपा मेरे ऊपर हो तो मुझे बताएं। भगवान विष्णु ने कहा, हे वत्स, संसार के उपकार हेतु आपने यह बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से मुक्त और सुखी हो जाता है, वह मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनो, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्य प्रदान करने वाला व्रत है। तुम्हारे स्नेह के कारण इस समय मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण व्रत करके मनुष्य शीघ्र ही सुख प्राप्त कर परलोक में मोक्ष प्राप्त करता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि ने कहा, प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है, इसका क्या विधान है, और इस व्रत को किस किसने किया है और कब करना चाहिए, यह सब विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह सत्यनारायण व्रत दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान देने वाला तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। इस व्रत को किसी भी दिन भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मण और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करके कर सकता है। नैवेद्य के रूप में उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ को सवाया मात्रा में भक्तिपूर्वक अर्पित करना चाहिए। केले के फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण या गेहूं का चूर्ण न मिले तो साठी चावल का चूर्ण, शक्कर या गुड़, यह सब भक्ष्य सामग्री सवाई मात्रा में एकत्रित करनी चाहिए। बंधु बांधवों के साथ ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भक्तिपूर्वक प्रसाद ग्रहण करके नृत्य गीत आदि का आयोजन करना चाहिए और फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर जाना चाहिए। ऐसा करने से प्राणियों की अभिलाषा अवश्य पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वीलोक में यह सबसे छोटा सा उपाय है। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं पुनः पूर्व काल में जिस जिसने इस सत्यनारायण व्रत को किया था उसे भली भांति और विस्तार पूर्वक कहूंगा। काशी नामक नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह प्रतिदिन इधर उधर भटकता रहता था। ब्राह्मण प्रिय भगवान ने उस दुखी ब्राह्मण को देखकर वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और उस ब्राह्मण से आदरपूर्वक जाकर पूछा, हे विप्र, प्रतिदिन अत्यंत दुखी होकर तुम किस लिए इधर उधर घूमते फिरते हो? हे ब्राह्मण, यह सब बतलाओ, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण हूँ और भिक्षा के लिए ही पृथ्वी पर घूमा करता हूँ। यदि मेरी इस दरिद्रता को दूर करने का आप कोई उपाय जानते हों तो कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए। वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी भगवान बोले, हे ब्राह्मण देव, सत्यनारायण भगवान विष्णु अभीष्ट फल को देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उनका उत्तम व्रत करो जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। व्रत के विधान को भी ब्राह्मण से यत्न पूर्वक कहकर वृद्ध ब्राह्मण रूपधारी भगवान विष्णु वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। वृद्ध ब्राह्मण ने जैसा कहा है उस व्रत को अच्छी प्रकार से वैसे ही करूंगा, यह सोचते हुए उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई। अगले दिन प्रातः उठकर सत्यनारायण का व्रत करूंगा ऐसा संकल्प करके वह ब्राह्मण भिक्षा के लिए चल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। उसी धन से उसने बंधु बांधवों के साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त होकर
समस्त संपत्तियों से संपन्न हो गया। उस दिन से लेकर प्रत्येक माह उसने यह व्रत किया। इस प्रकार भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करके वह श्रेष्ठ ब्राह्मण सभी पापों से मुक्त हो गया और उसने दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त किया। हे ऋषियों, पृथ्वी पर जब भी कोई मनुष्य श्री सत्यनारायण का व्रत करेगा उसी समय उसके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार भगवान नारायण ने महात्मा नारद जी से जो कुछ कहा मैंने वह सब आप लोगों से कह दिया। हे सूत जी, इस पृथ्वी पर उस ब्राह्मण से सुने हुए इस व्रत को किस किसने किया है, हम वह सब भी सुनना चाहते हैं। इस व्रत पर हमारी बहुत श्रद्धा हो रही है। श्री सूत जी बोले, मुनियों, पृथ्वी पर जिस जिस ने यह व्रत किया उसे आप लोग सुने। एक बार एक ब्राह्मण बंधु बांधवों तथा परिवारजनों के साथ व्रत करने के लिए उद्यत हुआ। इसी बीच एक लकड़ाहारा वहां आया और लकड़ी बाहर रखकर उस ब्राह्मण के घर गया। प्यास से व्याकुल वह उस ब्राह्मण को व्रत करता हुआ देख प्रणाम करके उनसे बोला, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है, विस्तार पूर्वक कृपया मुझे भी बतलाइए। विप्र ने कहा, यह सत्यनारायण का व्रत है जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला है, इसी के प्रभाव से मुझे यह सब धन धान्य प्राप्त हुआ है। जल पीकर और प्रसाद ग्रहण करके वह लकड़ाहारा अपने नगर को चला गया। सत्यनारायण देव के लिए मन से ऐसा सोचने लगा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उसी धन से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत करूंगा। इस प्रकार मन से चिंतन करता हुआ लकड़ी को मस्तक पर रखकर उस सुंदर नगर में गया जहां धनी और संपन्न लोग रहते थे। उस दिन उसे लकड़ी का दुगना मूल्य प्राप्त हुआ। इसके बाद प्रसन्न हृदय होकर वह पके हुए केले का फल, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का चूर्ण सवाया मात्रा में लेकर अपने घर आया। तत्पश्चात उसने अपने बांधवों को बुलाकर विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह धन पुत्र आदि से संपन्न हो गया और इस लोक में अनेकों सुख भोग कर अंत में बैकुंठ लोक को चला गया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहूंगा, आप लोग ध्यान से सुने। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह जितेंद्रिय, सत्यवादी और अत्यंत बुद्धिमान था। वह विद्वान राजा प्रतिदिन देवालय जाता और ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। कमल के समान मुख वाली उसकी धर्मपत्नी शील, विनय एवं सौंदर्य आदि गुणों से संपन्न तथा पतिपरायणा थी। राजा एक दिन अपनी धर्मपत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहा था। उसी समय व्यापार के लिए अनेक प्रकार की पुष्कल धनराशि से संपन्न साधु नाम का बनिया वहां आया। भद्रशिला नदी के तट पर नाव को स्थापित कर वह राजा के समीप गया और राजा को उस व्रत में लीन देखकर विनयपूर्वक पूछने लगा, हे राजन, आप भक्ति युक्त चित्त से यह क्या कर रहे हैं, कृपया मुझे भी बतलाइए, मैं सुनना चाहता हूँ। राजा बोले, हे साधु, पुत्र आदि की प्राप्ति की कामना से अपने बंधु बांधवों के साथ मैं अतुल तेज संपन्न भगवान विष्णु का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा की बात सुनकर साधु ने आदर पूर्वक कहा, राजन, इस विषय में आप मुझे सब कुछ विस्तार से बतलाइए, आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को एवं पूजन को करूँगा। मुझे भी कोई संतान नहीं है, इस व्रत को करने से मुझे भी अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। राजा ने व्रत का पूरा विधि विधान साधु बनिया को समझा दिया। साधु बनिया बड़ा खुशी खुशी अपने व्यापार से निवृत्त हो आनंद पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी लीलावती से संतति प्रदान करने वाले उस सत्य व्रत को विस्तार पूर्वक बताया और कहा कि जब मुझे संतान प्राप्त होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। एक दिन उसकी सती साध्वी पत्नी पति के साथ आनंद चित्त से ऋतुकालीन धर्माचरण में प्रवृत्त हुई
और भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से उसकी पत्नी गर्भवती हुई। दसवें महीने में उसके यहाँ कन्या रत्न की उत्पत्ति हुई और वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। इसके बाद एक दिन लीलावती ने अपने स्वामी से बड़े मीठे शब्दों में कहा, आपने पूर्व में संकल्प लिया था कि संतान हो जाएगी तो मैं श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। साधु बोला, प्रिय अभी समय नहीं है, इसके विवाह के समय करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को भली भांति आश्वस्त कर वह व्यापार करने के लिए दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। इधर कन्या कलावती पिता के घर में बढ़ने लगी। तदनंतर साधु ने नगर में सखियों के साथ क्रीड़ा करती हुई अपनी कन्या को विवाह योग्य देखकर उसने अपने दूतों से अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर खोजने के लिए कहा। इस तरह दूत से कहकर शीघ्र ही उसे वर की खोज में भेज दिया। उसकी आज्ञा प्राप्त करके दूत कंचन नामक नगर में गया और वहां से एक वणिक का पुत्र लेकर आया। साधु ने उस वणिक के पुत्र को सुंदर और गुणों से संपन्न देखकर अपने बंधु बांधवों के साथ संतुष्ट चित्त हो विधि विधान से अपनी कन्या का कन्यादान कर दिया। उस समय भी वह साधु बनिया दुर्भाग्यवश भगवान का वह उत्तम व्रत भूल गया। पूर्व संकल्प के अनुसार विवाह के समय में व्रत न करने के कारण भगवान उस पर रुष्ट हो गए। कुछ समय के पश्चात अपने व्यापार कर्म में कुशल वह साधु बनिया काल की प्रेरणा से अपने दामाद के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र के समीप स्थित रत्नसारपुर नामक सुंदर नगर में गया और अपने दामाद के साथ वहां व्यापार करने लगा। उसके बाद वे दोनों राजा चंद्रकेतु के नगर में गए। उसी समय भगवान श्री सत्यनारायण ने उसे भ्रष्ट प्रतिज्ञा देखकर दारुण कठिन और महान दुख प्राप्त होने का श्राप दे दिया। एक दिन एक चोर राजा चंद्रकेतु के धन को चुरा कर वहीं आया जहां दोनों बड़े सो रहे थे। वह अपने पीछे दौड़ते हुए दूतों को देखकर भयभीत होकर धन उन दोनों के पास छोड़कर भाग गया। इसके बाद राजा के दूत वहां आए। वहां राजा के धन को देखकर वे दूत उन दोनों वणिक पुत्रों को बांध कर ले आए और हर्षपूर्वक राजा से बोले, हे प्रभु, हम ये दो चोर पकड़ कर लाए हैं, इन्हें देखकर बताइए क्या करना है। राजा की आज्ञा से दोनों को शीघ्र ही बिना विचार किए कारागार में डाल दिया गया। भगवान सत्यदेव की माया से किसी ने उन दोनों की कोई बात नहीं सुनी और राजा चंद्रकेतु ने उन दोनों का सारा धन भी ले लिया। भगवान के शाप से वणिक के घर में भी सारा का सारा जो भी धन था वह चोरों ने चुरा लिया। उसकी पत्नी और पुत्री अत्यंत दुखित हो गईं। लीलावती शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं से युक्त भूख और प्यास से दुखी हो अन्न की चिंता में दर दर भटकने लगी। कलावती कन्या भी भोजन के लिए इधर उधर प्रतिदिन घूमने लगी। एक दिन भूख से पीड़ित कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने श्री सत्यनारायण के व्रत पूजन को देखा। वहां बैठकर उसने कथा सुनी और वरदान मांगा। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करके थोड़ी सी रात होने पर अपने घर गई। माता ने कलावती कन्या से प्रेम पूर्वक पूछा, हे पुत्री, इतनी देर में रात में तू कहाँ रुक गई थी, तेरे मन में क्या है। कलावती कन्या ने तुरंत माता से कहा, माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोरथ प्रदान करने वाला भगवान सत्यनारायण का व्रत देखा है। कन्या की उस बात को सुनकर वणिक की पत्नी व्रत करने को उद्यत हुई और प्रसन्न मन से उस साध्वी ने भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत किया तथा इस प्रकार प्रार्थना की, भगवान, आप हमारे पति एवं जामाता के अपराध को क्षमा करें, वे दोनों अपने घर शीघ्र आ जाएं। इस व्रत से भगवान सत्यनारायण पुनः संतुष्ट हो गए और उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया और स्वप्न में कहा, हे नृपश्रेष्ठ, प्रातःकाल दोनों बड़िकों को छोड़ दो और सारा उनका धन भी वापस दे दो जो तुमने उनसे ले लिया है, अन्यथा तुम्हारा राज्य, धन एवं पुत्र सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा से स्वप्न में ऐसा कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्धान हो गए। इसके बाद प्रातःकाल राजा ने अपने सभासदों के साथ सभा में बैठकर अपना स्वप्न लोगों को बताया और कहा, दोनों बंदी वणिक पुत्रों को शीघ्र ही मुक्त कर दो,
राजा की बात सुनकर राजपुरुष दोनों महाजनों को बंधन मुक्त करके राजा के सामने ले आए। दोनों महाजनों ने राजा चंद्रकेतु को प्रणाम किया और सारी बात बताई। राजा ने वणिक पुत्रों को देखकर आदर पूर्वक कहा, आप लोगों को प्रारब्ध वश यह महान दुख प्राप्त हुआ है, इस समय अब कोई भय नहीं है। राजा ने वस्त्र अलंकार देकर उन दोनों वणिक पुत्रों को संतुष्ट किया और पहले जो धन लिया था उससे दूना करके उनको दिया। उसके बाद राजा ने पुनः उनसे कहा, साधु अब आप अपने घर को जाएं। राजा को प्रणाम करके उन दोनों ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, साधु बनिया मंगलाचरण कर और ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर के लिए चल पड़ा। साधु के कुछ दूर जाने पर भगवान सत्यनारायण ने उसकी सत्यता की परीक्षा करनी चाही। वे एक दंडी का रूप बनाकर उसके सामने आए और बोले, हे साधु तुम्हारी नाव में क्या भरा है? तब धन के मद में चूर साधु बनिया अवहेलना पूर्वक हंसते हुए बोला, हे दंडी आप ये क्यों पूछ रहे हो? क्या कुछ द्रव्य लेने की इच्छा है? हमारी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। ऐसी निष्ठुर वाणी सुनकर तुम्हारा व्रत सच हो जाए, ऐसा कहकर दंडी सन्यासी का रूप धारण किए हुए भगवान कुछ दूर जाकर समुद्र के समीप बैठ गए। दंडी के चले जाने पर नित्य क्रिया करने के पश्चात जल के ऊपर की ओर उठी हुई नौका को देखकर साधु अत्यंत आश्चर्य में पड़ गया और नाव में बेल और पत्ते देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। सचेत होने पर वणिक पुत्र चिंतित हो गया। तब उसके दामाद ने उससे कहा, आप शोक क्यों कर रहे हैं? शायद ये दंडी जी का श्राप है, इस स्थिति से वे ही हमें निकाल सकते हैं, अतः उन्हीं की शरण में हमको चलना चाहिए। दामाद की बात सुनकर वह साधु बनिया उनके पास गया और वहां दंडी को देखकर उन्हें भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और आदरपूर्वक कहने लगा, हे प्रभु आपके सम्मुख मैंने जो कुछ कहा है असत्य भाषण रूप अपराध किया है, आप मेरे उस अपराध को क्षमा करें। ऐसा कहकर बारंबार प्रणाम करके वह महान शोक से आकुल हो गया। दंडी ने उसे रोता हुआ देखकर कहा, हे मूर्ख रो मत, मेरी बात सुन। मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण तथा मेरी आज्ञा से ही तुमने बारंबार दुख प्राप्त किया है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर वह उनकी स्तुति करने लगा, हे प्रभु आपकी माया से मोहित होकर ब्रह्मा आदि देवता भी आपके गुणों और रूपों को यथावत नहीं जान पाते, तो मैं मूर्ख अज्ञानी आपकी माया से मोहित होने के कारण कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपनी धन संपत्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरा जो नौका में धन था उसका और मेरी रक्षा करें। उस बनिया की भक्ति युक्त वाणी सुनकर भगवान जनार्दन संतुष्ट हो गए और उसे अभीष्ट वर प्रदान करके वहीं अंतर्धान हो गए। उसके बाद वह साधु अपनी नौका में चढ़ा और उसे धन धाने से परिपूर्ण देखकर आनंद से परिपूर्ण हो गया और नाव को प्रयत्नपूर्वक संभालकर उसने अपने देश के लिए प्रस्थान किया। साधु बनिया ने अपने दामाद से कहा, वह देखो हमारी रत्नपुरी नगरी दिखाई दे रही है। इसके बाद उसने अपने धन के रक्षक दूत को अपने आगमन का समाचार देने के लिए अपनी नगरी में भेजा। उसके दूत ने नगर में जाकर साधु की पत्नी को देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, सेठ जी और दामाद बहुत सारे धन धाने से संपन्न होकर नगर के निकट पधार गए हैं। दूत के मुख से यह बात सुनकर वह महान आनंद से बेवहल हो गई और उस साध्वी ने श्री सत्यनारायण की पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, मैं पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तुम भी शीघ्र आ जाओ। माता का ऐसा वचन सुनकर व्रत को समाप्त करके प्रसाद का परित्याग कर कलावती भी अपने पति के दर्शन करने के लिए चल पड़ी। इससे भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए और उन्होंने उसके पति को तथा नौका को धन के साथ जल में डुबो दिया। कलावती कन्या जब नदी के किनारे पहुंची और पति को न देखकर बड़े शोक से रुदन करने लगी और पृथ्वी पर गिर पड़ी। नाव का अदर्शन और कन्या को अत्यंत दुखी देख भयभीत मन से साधु बनिया ने सोचा, यह क्या हो गया? वहां लीलावती भी कन्या को देखकर
विह्वल हो गई और अत्यंत दुख से विलाप करते हुए अपने पति से इस प्रकार बोली, अभी अभी नौका के साथ वह कैसे दूर हो गए। न जाने किस देवता की उपेक्षा से नौका हरण कर ली गई है। श्री सत्यनारायण का महत्व कौन जान सकता है। ऐसा कहकर कलावती कन्या को गोद में रखकर रोने लगी। कलावती कन्या भी अपने पति के डूब जाने से दुखी हो गई और पति की पादुका लेकर उसका अनुगमन करने के लिए उसने अपने मन में निश्चय किया। कन्या के इस प्रकार के आचरण को देखकर पत्नी सहित धर्मज्ञ साधु बनिया अत्यंत शोक संतप्त हो गया और सोचने लगा, या तो भगवान सत्यनारायण ने यह अपहरण किया है अथवा हम सभी भगवान सत्यदेव की माया से मोहित हो गए हैं। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं अपनी धन शक्ति के अनुसार आपकी पूजा करूँगा। इस प्रकार कहकर उसने अपने मन की इच्छा प्रकट की और बारंबार भगवान सत्यदेव को दंडवत प्रणाम किया। इससे दीनों के परिपालक भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। भक्त वत्सल भगवान ने कहा, तुम्हारी कन्या प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास आई है। निश्चय ही इसी कारण उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके पुनः आएगी तो तुम्हारी पुत्री पति को प्राप्त करेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। कन्या कलावती भी आकाशमंडल से ऐसी वाणी सुनकर शीघ्र ही घर गई और उसने प्रसाद ग्रहण किया। पुनः आकर स्वजनों तथा अपने पति को देखा और आनंद से विह्वल हो गई। इसके बाद प्रत्येक पूर्णिमा और संक्रांति पर्वों पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए इस लोक में सुख भोग कर अंत में वह वैकुंठ लोक में चला गया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह चतुर्थ अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सूत जी बोले, श्रेष्ठ मुनियों, अब इसके बाद मैं दूसरी कथा कहूँगा, आप लोग ध्यान से सुने। अपनी प्रजा का पालन करने में तत्पर तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने सत्यदेव के प्रसाद का परित्याग करके बहुत दुख प्राप्त किया। एक बार वह वन में जाकर और वहाँ बहुत से पशुओं को मारकर वट वृक्ष के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि गोपगण बंधु बांधवों के साथ भक्तिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे हैं। राजा यह देखकर भी अहंकारवश न तो वहाँ गया और न उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम किया। पूजन के बाद सभी गोपगण भगवान का प्रसाद राजा के समीप रखकर वहाँ से लौट आए, लेकिन राजा ने उस प्रसाद का भी परित्याग कर दिया, जिससे उसका संपूर्ण धन धान्य एवं सभी 100 पुत्र नष्ट हो गए। राजा ने मन में यह निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहाँ वापस जाना चाहिए जहाँ श्री सत्यनारायण का पूजन हो रहा था। ऐसा मन में निश्चय करके वह राजा गोपगणों के समीप गया और उनके साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर विधिपूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्रों से संपन्न हो गया तथा इसी लोक में सभी सुखों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। श्री सूत जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस परम दुर्लभ श्री सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी और फल प्रदायिनी भगवान की कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य की अवश्य प्राप्ति होती है। दरिद्र धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय मुक्त हो जाता है। यह सत्य बात है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस लोक में वह सभी इच्छित फलों को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा विशेष फल प्रदान करने वाली है। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्य व्रत रूपी धारण करके सभी का मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो व्यक्ति नित्य भगवान सत्यनारायण की इस व्रता को पढ़ेगा सुनेगा, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हे मुनीश्वरों, पूर्व काल में जिन जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया है, उनके अगले जन्म का वृतांत आपसे कहता हूँ, सुनिए। महान प्रज्ञा संपन्न शतानंद नाम के ब्राह्मण सत्यनारायण व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में
सुदामा नामक ब्राह्मण हुए और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। लकड़हारा भील गोहों का राजा हुआ और उसने अगले जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने श्री रंगनाथ जी की पूजा करके अंत में वैकुंठ प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यव्रती साधु पिछले जन्म के सत्यव्रत के प्रभाव से दूसरे जन्म में मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जिसने आरे से अपने पुत्र को चीरकर आधी देह भगवान विष्णु को अर्पित कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। जो गोपगण थे वे सब जन्मांतर में ब्रजमंडल में निवास करने वाले गोप हुए और सभी राक्षसों का संहार करके उन्होंने भी भगवान का शाश्वत धाम गोलोक प्राप्त किया। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत रेवाखंड में श्री सत्यनारायण व्रत कथा का यह पांचवा अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।